बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा ये कि जैसा आपने देखा कंडीशन इतनी इजी नहीं थी, यहाँ पे 170 का टारगेट इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारा यही प्लान था एज अ टीम कि हमने पॉजिटिव खेलना है और जो बॉल्स मिलती हैं तो उस पर रन्स के लिए जाना है। तो वही प्लान था, सारी टीम ने पॉजिटिव खेला और रिज़ल्ट फिर आपके सामने। देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि उनके जिस तरह 80 की लीड थी उनके और 8 आउट हो गए थे, उसके बाद जिस तरह साथ खेला है और साथ में बिलावल इकबाल ने खेला है, उन्होंने तकरीबन 90 रन्स की पार्टनरशिप की, तो वो हमसे थोड़ा मैच दूर ले गए थे और मैच फंस भी सकता था, लेकिन यह है कि हमारे टॉप ऑर्डर ने जिम्मेदारी से खेला और हमें बाद में मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के लिए आसान हो गया था काम। देखिए कराची का ये खासा है, यहाँ पे जब भी आप आते हैं तो आपको स्पिनिंग ट्रैक्स मिलती हैं, और जिस तरह साजिद ने बॉलिंग की वो थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है, और मतलब ये विकेट की सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन उसकी अपनी भी एक क्लास है कि वो बाकी बॉलर्स नहीं आउट कर पा रहे और वो हर मैच में 5 और 8 और 10 आउट कर रहा है, तो ये उसकी भी क्लास है। और दूसरा ये कि इससे पहले जब फर्स्ट क्लास हुआ करते थे उसमें स्पिनर्स को बहुत कम मौका मिलता था क्योंकि वो सीमिंग विकेट्स होती थी, फास्ट बॉलर ही काम कर जाते थे, तो अब ये पहली दूसरी मरतबा इस तरह हो रहा है कि स्पिनर्स को भी बॉलिंग करनी पड़ती है और उनको विकटें मिल रही हैं। देखिए पहले ये होता था टीमें ज़्यादा होती थी और थोड़ी उस तरह की क्वालिटी नहीं मिलती थी आपको, लेकिन अब 6 टीमें जो बंदा करता है तो सेलेक्टर्स के लिए भी ईजी हो जाता है और मीडिया पर भी इतना चल रहा होता है क्योंकि 6 टीमों को कवर करना इतना मुश्किल नहीं होता फिर, तो ये है कि अब जो लड़का परफॉर्म करता है वो फ़ौरन लाइमलाइट में आता है और उसको आगे का चांस मिलता है। देखिए सर वो तो जब हम जाएंगे विकेट देखेंगे उसके मुताबिक फिर हम फैसला करेंगे कि क्या टीम खेलनी है और क्या गेम प्लान होना है हमारा।